तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र छैडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। बाला भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं। अब तक हमने निर्जरा भावना की चर्चा की, आज हम लोक भावना की चर्चा करेंगे। मंगलाचरण से अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बारह भावनाओं की चर्चा हम कर रहे हैं और अब तक हमने निर्जरा भावना पर चर्चा की है, आज हम लोक भावना की चर्चा करेंगे। लोक भावना में क्या वर्णन करते हैं दौलत राम जी, आइए देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। किन्हु न करे न धरे को षड द्रव्य माई न हरे को सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। भावार्थ, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं है और ना ही कोई इसे धारण किए हुए है। यह लोक तो शाश्वत छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ है, कोई इसका कभी नाश नहीं कर सकता। इस लोक में जीव वीतराग भाव के बिना सदा भ्रमण करता है और दुख सहता है, ऐसा चिंतन करना लोक भावना है। किन्हु न करे न धरे को, किन्हु न करे न धरे न हरे को षट द्रव्यमयी, किन्हु न करे न धरे को षट द्रव्यमयी न हरे को, अर्थात इस छह द्रव्यमयी जो विश्व है, लोक है, उसको न तो किसी ने उत्पन्न किया है, न किसी ने उसको धारण करके रखा है और न ही उसका कोई नाश कर सकता है। किन्हु न करे न धरे को षड द्रव्यमयी न हरे को, आप देखेंगे इस एक पंक्ति में दौलत राम जी ने विश्व की परिभाषा भी बता दी और विश्व का कोई कर्ता हर्ता नहीं है ये भी बता दिया। अर्थात लोक भावना में अत्यंत सुंदर एवं संक्षिप्त शब्दों में एक पंक्ति में तात्विक विवेचन दौलत राम जी ने किया है। लोक किसे कहते हैं, लोक को दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व किसे कहते हैं, तो विश्व छह द्रव्यमयी है, अर्थात जहाँ छह द्रव्य दिखाई देते हैं, छह द्रव्यों का समूह ही लोक है अथवा विश्व है। षड द्रव्यमयी माने छह द्रव्यमयी लोक है और उस छह द्रव्यों को न किसी ने उत्पन्न किया है, न किसी ने धारण किया हुआ है, न उसको कोई नष्ट कर सकता है। इस विश्व को न किसी भगवान ने बनाया है, इस विश्व को न कोई भगवान चला रहा है
और न कोई इस विश्व का नाश कर सकता है। छह द्रव्य अनादिकाल से है एवं अनंत काल तक रहेंगे। छह द्रव्यों को उत्पन्न करने वाला कोई भगवान नहीं है। छह द्रव्यों को नष्ट कोई नहीं कर सकता। छह द्रव्य को धारण करने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ लोक भावना में दौलत राम जी ने जो गृहित मिथ्यात्व की मान्यता है कि इस दुनिया को किसी भगवान ने बनाया है, इस दुनिया को कोई भगवान चला रहा है अथवा इस दुनिया को कोई भगवान नष्ट कर देगा, इस मान्यता का भी निराकरण किया है और लोक की क्या व्यवस्था है, लोक का क्या स्वरूप है, इसको भी बताया है। दो बातें उन्होंने कही है। पहली बात, लोक छह द्रव्यों के समूह का नाम है। दूसरी बात, इस लोक को किसी ने उत्पन्न नहीं किया है, धारण नहीं किए हुए हैं एवं कोई लोक का नाश नहीं कर सकता। दौलत राम जी ने लोक के अंतर्गत तात्विक विवेचन किया है और छह द्रव्य का निरूपण करके लोक को परिभाषित किया है। कौन से है वे छह द्रव्य? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन छह द्रव्यों का समूह ही लोक है। लोक का दूसरे शब्दों में यदि हम अर्थ करें तो लोक माने जहाँ दिखाई देता है। लुक्यते धातु से लोक बनता है। लुक्यते माने जहाँ दिखते हैं। क्या दिखते हैं? छह द्रव्य जहाँ दिखाई देते हैं उसे कहते हैं लोक। जिस प्रकार दर्पण में पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं उसी प्रकार इस लोक में छह प्रकार के द्रव्य दिखाई देते हैं। छह द्रव्य के लोक जहां दिखाई देते हैं वही लोक है। वैसे तो विश्व में अलोकाकाश भी आ जाता है, लेकिन चूंकि अलोकाकाश में मात्र आकाश द्रव्य है और लोकाकाश में छह द्रव्य है, इस अपेक्षा से लोकाकाश में ही छह द्रव्य कहे हैं, अर्थात छह द्रव्य में ही लोक को कहा है। क्योंकि लोकाकाश में आकाश द्रव्य भी है, लोकाकाश द्रव्य है और आकाश तो अखंड है, इसलिए लोकाकाश की अपेक्षा आकाश द्रव्य को हमने ग्रहण कर लिया और जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल ये मात्र लोकाकाश में ही पाए जाते हैं। लोकाकाश के बाहर केवल आकाश है, आकाश के सिवा कोई द्रव्य नहीं है। मात्र जगह है, स्थान है, लेकिन कोई द्रव्य नहीं है। तो लोक छह द्रव्यों के समूह का नाम है, छह द्रव्यमयी लोक है। और जो आज हमारी ये मान्यताएं हैं, अनेक लोगों की मान्यता है कि इस लोक को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए, यह लोक कभी ना कभी तो नष्ट होगा, इस जीव का कोई ना कोई तो आदि होना चाहिए, कभी ना कभी तो इस जीव का अंत आ जाएगा। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न करते हैं कि क्या कभी ऐसा कोई दिन होगा जो दिन अंतिम होगा? क्या ऐसा कोई रविवार होगा जो अंतिम रविवार होगा? क्या आप कह सकते हैं कि ये जो रविवार है आज का, ये अंतिम रविवार है, जिसको जो कुछ करना हो, छुट्टी मनाना हो मना लो, इसके बाद अब रविवार नहीं आएगा? क्या ऐसा संभव है? काल का अंत संभव है? काल का कोई अंत नहीं है। इस एक रविवार के बाद फिर रविवार आएगा, उस अगले रविवार के बाद फिर रविवार आएगा, ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब समय का अंत हो जाएगा। समय का अंत नहीं है, इस समय का कोई आदि नहीं है, कोई अंत नहीं है। ठीक उसी प्रकार छह द्रव्य का कोई न आदि है न अंत है। छह द्रव्य अनादिकाल से है एवं अनंत काल तक रहेंगे। और क्या है इन छह द्रव्य की व्यवस्था, इसको हम एक अल्प विराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। लोक भावना की चर्चा हम कर रहे हैं और हमने दौलत राम जी की प्रथम पंक्ति के माध्यम से समझा कि इस लोक को कोई करने वाला नहीं है, अर्थात कोई बनाने वाला नहीं है, उसी प्रकार इस लोक को किसी ने धारण किया हुआ नहीं है एवं इस लोक का कोई नाश करने वाला नहीं है। यह लोक अनादिकाल से अनंत काल तक रहेगा। जिस प्रकार काल का कोई प्रारंभ नहीं है एवं काल का कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार छह द्रव्यों की जो संख्याएं हैं, अर्थात जीव अनंत है तो अनंत जीव का कोई अंत नहीं है। पुद्गल द्रव्य जीवों से अनंत अनंत गुण है, उनका भी कोई अंत नहीं है, अर्थात जो अनंत राशि है वे अंत से रहित है। इसलिए इस संसार में अनंतानंत जीव, अनंतानंत पुद्गल एवं तीन काल के समय एवं अनंत आकाश, ये अनंत है
और अनंत काल से हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे। इस प्रकार से दौलत राम जी ने प्रथम पंक्ति में इस विश्व को तात्विक स्वरूप से निरूपण किया कि विश्व छह द्रव्यमयी है। इसी को मंगत राय जी ने इस प्रकार से कहा है, इसका कोई न करता हर्ता अमिट अनादि है। इस अर्थात इस लोक का कोई करता हर्ता नहीं है, यह अमिट है अर्थात मिटाया नहीं जा सकता और अनादिकाल से है अर्थात अनादिकाल से एवं अनंत काल तक रहेगा। वैसे भी दुनिया में एक थ्योरी है कि जो चीज आज वर्तमान में है उसे नाश नहीं किया जा सकता और न किसी चीज को उत्पन्न किया जा सकता है। जैन धर्म की जो वस्तु विज्ञान की थ्योरी है, जो वस्तु विज्ञान का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के यह बिल्कुल अनुकूल है। दुनिया में कहावत है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। उसी प्रकार अर्थात ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। उसी प्रकार मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। किसी पदार्थ को भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते और उसे नष्ट नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार किसी द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जाता है न कोई नष्ट किया जा सकता है। न कोई पदार्थ नया उत्पन्न होता है न ही जो पदार्थ है उसका नाश होता है। जो पदार्थ है वह अनंत काल तक रहेगा, न नए का उत्पाद होता है और न पुराने का नाश होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो असत का उत्पाद नहीं और सत का व्यय नहीं। अर्थात जो नहीं है उसको हम पैदा नहीं कर सकते और जो है उसको नाश नहीं कर सकते। इस प्रकार इस विश्व में छह द्रव्य अनादिकाल से है एवं अनंत काल तक रहेंगे। अब इसमें समझने की बात क्या है, उसको दौलत राम जी अगली पंक्ति में कहते हैं, सो लोक माहि बिन समता दुख सहे जीव नित भ्रमता। इस लोक में बिना समता के, सो लोक माहि बिन समता अर्थात इस लोक में बिना समता सुख के, बिना समता के यह जीव भ्रमण कर रहा है और दुख सहन कर रहा है। अर्थात यह लोक में जीव कब से परिभ्रमण कर रहा है, अनादिकाल से, और परिभ्रमण करके व्यर्थ ही दुख सहन कर रहा है। इसके परिभ्रमण का कारण क्या है, क्योंकि इसने आज तक समता सुख की प्राप्ति नहीं की अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं की। इस रत्नत्रय के बिना यह इस लोक में अनादिकाल से व्यर्थ ही भटक भटक कर दुख भोग रहा है। वास्तव में लोक भावना समझने का प्रयोजन यही है कि लोक भावना में समझकर लोक का स्वरूप समझने के साथ साथ हम इस लोक में भटक रहे हैं और हम इस लोक में रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। रत्नत्रय के बिना इस संसार में जीव व्यर्थ ही लोक में भटक भटक के दुख भोगता है, ये बात मूल समझने की। इस प्रकार दौलत राम जी ने पहली पंक्ति में लोक का तात्विक स्वरूप वर्णन किया एवं दूसरी पंक्ति में हमारी इस लोक में क्या स्थिति है उसको बताया। हमारी इस लोक में स्थिति है कि हम इस लोक में व्यर्थ ही परिभ्रमण कर रहे हैं और दुख भोग रहे हैं। जैसा कि मंगत राय जी ने भी कहा है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। अर्थात यह जो छह द्रव्यमयी लोक है इसमें जीव और पुद्गल नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं, क्योंकि जीव कर्म के बंध से, मोह राग द्वेष भाव से युक्त है और मोह राग द्वेष भाव करता हुआ नए नए कर्मों को बांधता हुआ यह जीव संसार में घूम रहा है। आप देखेंगे कि सभी 12 भावनाओं में लगभग एक बात समान है कि यह जीव इस लोक में व्यर्थ ही दुख भोग रहा है। अपनी भूल के कारण यह संसार में दुख भोग रहा है, लोक में दुख भोग रहा है। भूधरदास जी ने भी यही कहा है, चौदह राज उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। अर्थात यह जो लोक है इसमें अनादि से जीव बिना ज्ञान के परिभ्रमण कर रहा है, बिना ज्ञान के व्यर्थ ही एक गति से दूसरी गति में जा रहा है। क्या मिलता है उसको किसी भी गति में रहने पर, कुछ नहीं, मात्र दुख के, क्लेश के और कुछ नहीं प्राप्त करता। कुछ काल तक एक गति में रहता है, फिर एक गति से दूसरी गति में जाता है। वहाँ भी व्यर्थ में मोह राग द्वेष भाव करके स्वयं दुख भोगता है और वहाँ से भी रवाना होकर तीसरी गति में चले जाता है। इस प्रकार ये एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति निरंतर परिभ्रमण कर रहा है और चारों गतियों में दुख भोग रहा है। लोक में जीव होते हुए भी दुखी दुख भोग रहा है।
तामे जीव अनादि थे, अर्थात लोक में अनादि से जीव बिना ज्ञान के भ्रमण कर रहा है। इस प्रकार एक पंक्ति सभी लोक भावना में समान है कि लोक में जीव सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बिना व्यर्थ ही दुख भोग रहा है। यदि यह सम्यक ज्ञान प्राप्त कर ले तो दुख क्यों भोगे, दुख व्यर्थ ही भोग रहा है। दुख भोगना इसका स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव तो सम्यक ज्ञान प्राप्त करके सुख प्राप्त करना है, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बिना ये जीव भ्रम से दुखी हो रहा है। भूधर दास जी में और दौलत राम जी की बारह भावना में प्रथम पंक्ति में एक भेद है। भूधर दास जी ने लोक के भौगोलिक स्वरूप को पकड़ा है और दौलत राम जी ने लोक के तात्विक स्वरूप को पकड़ा है। भूधर दास जी ने कहा है कि 14 राजू उतंग नव लोक पुरुष संठान, अर्थात यह लोक कैसा है, 14 राजू ऊंचा है और 14 राजू उतंग नव, अर्थात 14 राजू ऊंचा, नव माने आकाश, लोक लोकाकाश, 14 राजू ऊंचा लोकाकाश है। 14 राजू उतंग नव लोक, अर्थात लोक नव माने लोकाकाश, 14 राजू ऊंचा है। इस प्रकार उन्होंने ऊंचाई वर्णित कर दी, लोक की भौगोलिक व्यवस्था क्या है अर्थात लोक की ऊंचाई कितनी है ये बताई। दो पंक्ति में उन्होंने पूरी लोक भावना समा दी। यदि हम इसकी गहराई आदि का भी विचार करें तो हम देखेंगे 7 राजू इसकी गहराई है और चौड़ाई 7, 5, 1 राजू अलग अलग प्रकार की। इस प्रकार से हुआ लोक का भौगोलिक वर्णन। और इसका आकार कैसा है तो भूधर दास जी कहते हैं पुरुष संठान, अर्थात यह पुरुष के आकार का है। जैसे कोई पुरुष अपनी कमर पर हाथ रख के और पांव फैला के खड़ा हो जाए, वह जो आकार बनता है वही इस लोक का आकार है। अर्थात लोक का आकार कमर पर हाथ रखे हुए और पांव फैलाए हुए पुरुष के समान होता है। यद्यपि लोक भावना को हम विस्तार से समझे तो काफी विस्तार किया जा सकता है। ग्रंथों में लोक भावना को अत्यंत विस्तार से बताया भी है। एक विराम के बाद हम लोक भावना को और अधिक अच्छे से समझेंगे। जय जिनेंद्र, छहडाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। लोक भावना की चर्चा चल रही है। हमने लोक को दो प्रकार से समझा, एक तो लोक की भौगोलिक स्थिति को और एक लोक की तात्विक स्थिति को। 14 राजू ऊंचा यह लोक है एवं इसकी गहराई 7 राजू है एवं इसकी चौड़ाई तल में 7 राजू, मध्य लोक में 1 राजू, ब्रह्म लोक के अंत में 5 राजू एवं ऊर्ध्व लोक के वहाँ 1 राजू है। इस प्रकार यह 343 घन राजू प्रमाण लोक है। इसमें एक त्रस नाड़ी है, उस त्रस नाड़ी में त्रस जीव पाए जाते हैं, त्रस नाड़ी के बाहर स्थावर जीव पाए जाते हैं। स्थावर जीव का निवास सर्वत्र लोक है, त्रस जीव का निवास मात्र त्रस नाड़ी में। उस त्रस नाड़ी में ही नारकियों के निवास स्थान, देवों के निवास स्थान, त्रस त्रियंचों के निवास स्थान एवं मनुष्यों के निवास स्थान है। और इस त्रस नाड़ी के ठीक ऊपर सिद्ध शिला है जहाँ पर सिद्ध भगवान विराजते हैं। इस प्रकार से लोक का लोक के स्वरूप में अधोलोक अर्थात नारकियों का वर्णन आता है, मध्य लोक के असंख्यात द्वीप समुद्रों का वर्णन आता है, ऊर्ध्व लोक में स्वर्गों के पटलों का वर्णन आता है। सारी व्यवस्था एक प्रकार से लोक के स्वरूप में वर्णित हो जाती है। लोक से बाहर दुनिया में कुछ है ही क्या, जीव का वर्णन भी आएगा तो लोक के अंतर जीव का रहता है, उद्गल का रहता है, धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्य लोक में रहते हैं। लोक के बाहर लोक के अलावा कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से लोक भावना के अंदर सब कुछ गर्भित है, परंतु फिर भी यहाँ प्रयोजनभूत कथन को करके लोक के स्वरूप को संक्षेप में वर्णन किया है। और मुख्य बात इसमें यह है कि इस लोक में यह जीव अनादिकाल से सम्यक ज्ञान के बिना दुख भोग रहा है। मंगत राय जी ने इसको और अत्यंत मार्मिक शब्दों में परिभाषित किया है। क्या कहते हैं वे, पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता, मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा,
निज पद में थिर हो लोक के शीश करो वासा। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता। यह जीव इस लोक में अपने पाप पुण्य के फल को भोग रहा है और अपने पाप पुण्य के उदय में सुख और दुख को निरंतर भोग रहा है। भोगता अपने पाप पुण्य के फल को है और मानता है कि दूसरे मुझे सुखी दुखी करते हैं। अपनी करनी आप भरे, अर्थात स्वयं ने पाप बांधा है और उस पाप का फल भोगता है और मानता है कि किसी दूसरे ने मेरा बुरा किया। सिर ओरन के धरता। आज तक इस जीव का बुरा किसी दूसरे ने नहीं किया है, वास्तव में उसके पाप परिणामों ने उससे पाप बंधवाया, उसके पाप परिणामों ने उसका बुरा किया है, अर्थात पाप परिणामों से उसने पाप कर्म बांधा, उस पाप कर्म के उदय में वह जीव दुखी हो रहा है। उसी प्रकार किसी जीव का अच्छा हो रहा है तो किसी ने नहीं किया, यह जीव ने स्वयं शुभ परिणाम किए, शुभ परिणामों से पुण्य बांधा, उस पुण्य के फल में यह जीव सुखी हो रहा है। इस प्रकार से जीव अपने कर्मों का फल भोगता है और स्वयं ही सुखी दुखी होता है। शुभाशुभ परिणामों से पुण्य पाप कर्म बांधता है, पुण्य पाप कर्म के उदय में सुखी दुखी होता है और मानता ऐसा है कि मेरे को दूसरा सुखी दुखी कर रहा है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित्य सुख दुख भरता, अर्थात पाप और पुण्य के उदय में जीव निरंतर सुख और दुख भोगता है, करता है आप स्वयं और औरों के सिर धरता है, अर्थात औरों को जिम्मेदार मानता है। ये इसकी अनादिकालीन भूल है। इसके साथ में दौलतराम जी कहते हैं, मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, अर्थात हे जीव तुम मोह कर्म का नाश करो और सारे जगत की आशाओं को समाप्त करो। इस संसार में किसी की आशाएं आज तक पूरी नहीं हुई। एक भावना में आता है, इच्छाएं तो अनंत है हर एक में दुख है, तुम अपना भला चाहो तो संतोष में सुख है। इच्छाएं तो अनंत है, आशाएं तो अनंत है, लेकिन वे सारी संसार की आशाएं असार है, निरर्थक है, जीव को सुखी करने के लिए निष्प्रयोजनार्थ है, वास्तव में जीव को दुखी करने वाली आशाएं। तो कहते हैं कि सब आशाओं को मिटाओ, अब संसार में तुमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अनंत बार तुमने अनंत भोग भोगे, अब और तुम क्या भोग भोगना चाहते हो। इस संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ तुम्हारा अनंत बार जन्म नहीं हुआ हो, इस लोक में ऐसा कोई भोग नहीं जो तुमने अनंत बार भोगा ना हो, इसलिए इन सब भोगों की आशा को छोड़ो और निज पद में स्थिर होए, अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो, जिससे क्या होगा, लोक के शीर्ष करो वाशा, अर्थात तुम लोकाग्र पर विराजमान हो जाओगे, लोक के शिखर अर्थात सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाओगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंगत राय जी ने लोक भावना को मोक्ष से भी जोड़ दिया है। निर्जरा के बाद वर्णन होना चाहिए मोक्ष का, लेकिन भावना का नाम है लोक, तो उन्होंने लोक के शिखर को लेकर इस निर्जरा भावना के बाद तत्काल लोक को मोक्ष से भी जोड़ने का कार्य किया। निज पद में स्थिर होए लोक के शीश करो वाशा, अपने स्वरूप में स्थिर होकर इस लोक के शिखर पर तुम वास करो और अनंत काल तक सुख को प्राप्त करो, सुख को भोगो। अब तो इस प्रकार हमने लोक भावना का व्यवहारिक पक्ष समझा, अब हम समझेंगे लोक का निश्चय पक्ष। क्या है निश्चय लोक? वास्तव में निश्चय लोक हमारा निज आत्मा है। हमारी दुनिया कहाँ है? हमारा ज्ञान ही हमारी दुनिया है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी दुनिया तो वही है जो हमारे ज्ञान में दिखती है। इसलिए एक प्रकार से यह निज आत्मा ही लोक है। रुद्र संग्रह ग्रंथ में कहा भी है कि इस ज्ञान रूपी दर्पण में पूरा लोक झलकता है, इस अपेक्षा से यह ज्ञान ही लोक है। लोक का अर्थ भी हमने पहले बताया था, जहाँ लुक्किते अर्थात दिखाई देते हैं, छह द्रव्य जहाँ दिखाई देते हैं वह है लोक। तो ज्ञान रूपी लोक में छह द्रव्य दिखाई देते हैं, इस अपेक्षा से निज ज्ञान ही अपना आत्मा ही लोक है। और इस लोक के बाहर जो कुछ भी है वह सब अपने अपने में स्थित है, वो हमारे ज्ञान में दिखाई दे तो उसका हमारे से प्रयोजन है, अर्थ अन्यथा तो वे जहाँ हैं वहाँ होवे, लेकिन वास्तव में इस जीव के ज्ञान में जो दिखता है इस जीव का लोक तो वही होता है। तो लोक भावना में निश्चय और व्यवहार दोनों पक्षों को आचार्यों ने परिभाषित किया है, जहाँ लोक के छह द्रव्य के स्वरूप को बताया, लोक की लंबाई चौड़ाई को बताया,
लोक के अंदर क्या क्या पाया जाता है उस सबको बताया। उसी वहाँ पर यह भी बताया कि निज आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में लोक है। यदि लोक भावना को हमें विस्तार से समझना है, लोक की भौगोलिक व्यवस्था को समझना है, तो त्रिलोकसार, तिलोय पंडिति आदि ग्रंथों का हमें गहराई से स्वाध्याय करना चाहिए। वृद्रव्य संग्रह, कार्तिक अनुप्रेक्षा, इन ग्रंथों में भी लोक भावना का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। जिन्हें लोक को और गहराई से समझना है, वे इन ग्रंथों को अवश्य पढ़ें, अवश्य देखें। अभी हमने लोक के स्वरूप को संक्षेप में यह वर्णित किया और ये बताया कि इस लोक के अंदर यह जीव सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के बिना व्यर्थ ही घूम रहा है। अब आगे हम बताएंगे कि सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना से सम्यक ज्ञान की दुर्लभता को बताया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। इस संसार को किसी ने बनाया नहीं है, ना कोई इसे चला रहा है और ना ही इसे कोई नष्ट कर सकता है। भगवान संसार को मात्र जानते हैं, उसे चलाते नहीं हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु अपना परिवर्तन, अपना कार्य स्वयं करती है। उसे परिवर्तित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसे विश्व में जीव बिना सम्यक ज्ञान के अनादिकाल से भटक रहा है।